हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं सेशन नंबर 51। इससे पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 50 में दिया था। तो यहाँ पर प्रश्न है, बीमस्टेक में शामिल देशों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम बताना था। शामिल देशों की संख्या 7 है। देश है यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। बीमस्टेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीमस्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। आशियान की स्थापना किस वर्ष की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आशियान की स्थापना 1967 में की गई थी। इसकी हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है। अगला प्रश्न है, आशियान में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो आशियान में शामिल देशों की संख्या यहाँ पर 10 है। रामानुजन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। संपन्न योजना का पूरा नाम क्या है तथा इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, इसका पूरा नाम है। 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर जो हम चार टॉपिक डिस्कस करेंगे वे हैं यहाँ पर अर्थ ब्लैक बॉक्स, IXPE मिशन जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, संचार प्रणाली LCRD, ये भी नासा का एक प्रोग्राम है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो इन चार टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है अर्थ ब्लैक बॉक्स। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों और कलाकारों के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। तो इस बॉक्स का निर्माण दक्षिणी तट से दूर ऑस्ट्रेलिया द्वीप पर, जहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है तस्मानिया, वहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। इसे 3 इंच मोटे स्टील से बनाया जाएगा और सोलर पैनल से कवर किया जाएगा। यह काफ़ी हद तक एक प्लेन फाइट रिकॉर्डर की तरह कार्य करेगा जो दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले एक विमान के अंतिम क्षणों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। अर्थ ब्लैक बॉक्स के अंदर स्टोरेज ड्राइव को लगभग 30 से 50 वर्षों तक सक्रिय रहने हेतु डिज़ाइन किया गया है। ब्लैक बॉक्स एक सिटी बस के आकार का होगा और इसके अंदर स्टोरेज ड्राइव होंगे जो जलवायु परिवर्तन की तथा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर तक औसत तापमान को रिकॉर्ड कर सकेगा। ये यहाँ पर एक संग्रहित डेटा भी रखा जाएगा, जैसे कि मोनोलिथिक के अंदर दो अलग अलग प्रकार के डेटा एकत्र और संग्रहित किए जाएंगे। यह भूमि और समुद्र के तापमान माप, प्रजातियों के विलुप्त होने, ऊर्जा की खपत, मानव आबादी, समुद्र के अम्लीकरण तथा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा एकत्र करेगा। यह प्रासंगिक डेटा जैसे समाचार पत्रों के सुर्खियों और ट्रेडिंग कहानियां, प्रमुख समाचार तथा सोशल मीडिया पोस्ट को भी एकत्र कर सकेगा। तस्मानिया क्यों चुना गया? अगर हम इसकी बात करें तो तस्मानिया को इसके सापेक्ष भू राजनीतिक और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए चुना गया था तथा मोनोलिथिक को चक्रवातों, भूकंपों एवं इसकी ढलान वाले दीवारों के साथ बर्बर हमलों सहित खतरों के खिलाफ लचीला होने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो ब्लैक बॉक्स वास्तव में एक बड़ी जलवायु परिवर्तन आपदा को रोकने में मदद करेगा। जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने सबसे बड़ी गंभीर खतरों में से एक है और आर्थिक एवं स्वास्थ्य असमानताओं को बढ़ाता है। ये प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा रहा है ये कारण भी, इसलिए यहाँ पर दुनिया की खाद्य आपूर्ति का भी खतरा यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है IXPE मिशन जो कि नासा का है। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर नाम से एक मिशन को लॉन्च किया है। IXPE वेधशाला नासा और इटालवी अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त प्रयास है। यह ब्रह्मांड में सबसे चरम और रहस्यमय वस्तुओं, सुपरनोवा अवशेष, सुपर मैसिव ब्लैक होल तथा दर्जनों अन्य उच्च ऊर्जा वाली वस्तुओं का अध्ययन करेगा। इस मिशन की प्राथमिक अवधि 2 वर्ष है और इसकी वेधशाला पृथ्वी की भूमध्य रेखा की चारों ओर परिक्रमा करते हुए 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इसके द्वारा पहले वर्ष में लगभग 40 खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने की उम्मीद है। यह अन्य एक्सरे दूरबीन जैसे कि चंद्रा एक्सरे वेधशाला और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक्सरे वेधशाला XMS न्यूटन का भी पूरक होगा। ये इसके महत्व की बात करें तो यह न्यूट्रॉन सितारों और सुपर मैसिव ब्लैक होल के ध्रुवीकृत एक्सरे का निरीक्षण करने में मदद करेगा। इन एक्सरे के ध्रुवीकरण को मापकर हम अध्ययन कर सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है और प्रकाश स्रोत की ज्यामिति और आंतरिक प्रणालियों को
किस प्रकार से समझ सकते हैं हम। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्लैक होल घूर्णन कैसे करता है और अतीत में उनकी स्थिति क्या थी। यह पता लगाने में मदद करेगा कि पल्सर एक्सरे में इतने चमकीले कैसे होते हैं। यह सीखने में मदद करेगा कि आकाशगंगाओं के केंद्रों पर सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र से निकाले गए ऊर्जावान कणों की कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं यहाँ पर। नासा के अन्य हालिया मिशन की बात करें तो डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट है, मिशन लूसी है जो कि बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह पर खोज कर रहा है, नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउड है। सुपरनोवा की अगर हम बात करें तो सुपरनोवा का अर्थ अंतरिक्ष में एक विशाल तारे के अंत के साथ किसी भयंकर और चमकीले विस्फोट से होता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण का बल अत्यधिक बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर प्रकाश का पारगमन नहीं हो पाता है। गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि पदार्थ एक छोटे से स्थान में सिकुड़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे तब बनती है जब ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और परस्पर विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक है वो LCRD संचार प्रणाली, ये भी नासा का एक प्रोग्राम है। हाल ही में नासा ने अपना एक लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन लॉन्च किया है। लेज़र कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है? तो यह नासा का एकमात्र लेज़र संचार प्रणाली है जो भविष्य के ऑप्टिकल संचार मिशनों का मार्ग प्रशस्त करेगी। वर्तमान में नासा के अधिकांश अंतरिक्षयान डेटा भेजने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी संचार का उपयोग करते हैं। लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन के पेलोड को अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतरिक्ष परीक्षण कार्यक्रम सैटेलाइट 6 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह भूसमकालीन कक्षा में होगी जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे कैलिफोर्निया और हवाई में LCRD मिशन के ग्राउंड स्टेशनों के इंजीनियरों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह टीम रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के माध्यम से टेस्ट डेटा भेजेगी और LCRD ऑप्टिकल सिग्नल का इस्तेमाल करके जवाब देने में सक्षम होगी। इसकी विशेषताएं क्या होगी? तो इसके दो ऑप्टिकल टर्मिनल्स हैं, एक उपयोगकर्ता अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करने के लिए और दूसरा ग्राउंड स्टेशनों पर डेटा संचारित करने के लिए। मॉडेम डिजिटल डेटा को लेज़र सिग्नल में ट्रांसमिट करेगा और इसके बाद इसे प्रकाश के एनकोडेड बीम के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। ये क्षमताएँ LCRD को नासा का पहला टू वे एंड टू एंड ऑप्टिकल रिले मानती है या बताती है। क्या महत्व होगा इसका? तो लेज़र अवरक्त प्रकाश का उपयोग करता है और रेडियो तरंगों की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य होता है। इससे कम समय में ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करने में मदद मिलेगी। इंफ्रारेड लेज़र का उपयोग करते हुए LCRD 1.2 गीगाबिट प्रति सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी पर डेटा भेजेगी। इस स्पीड से मूवी डाउनलोड होने में एक मिनट से भी कम समय लगेगा। यहाँ पर वर्तमान रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम के साथ मंगल ग्रह के एक पूर्ण मानचित्र को पृथ्वी पर वापस भेजने में लगभग 9 सप्ताह लगने ते हैं यहाँ पर, और लेज़रों के साथ हम इसे लगभग 9 दिन तक और आगे बढ़ा सकते हैं। ऑप्टिकल संचार रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम की तुलना में बैंडविड्थ को 10 से 100 गुना अधिक बढ़ाने में मदद करेगा। ऑप्टिकल संचार बैंडविड्थ को रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम से 10 से 100 गुना अधिक बढ़ाने में मदद करेगा। छोटे आकार का अर्थ है कि विज्ञान के उपकरणों के लिए अधिक समय और अधिक जगह उपलब्ध होगा। यहाँ पर प्रक्षेपण यान का वजन कम होने से लॉन्च कम खर्चीला होता है। अंतरिक्ष यान में कम ऊर्जा आवश्यकता से इसकी बैटरियों में कम ऊर्जा संग्रहण करना होता है। इस मिशन में रेडियो ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस सप्लीमेंटिंग जैसी अद्वितीय संरचनाएं यहाँ पर क्षमताएं इसके अंतर्गत शामिल होगी। अगला टॉपिक यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यहाँ पर तो परियोजना के पहले हिस्से में यहाँ पर 23 इमारतें, जिसमें यहाँ पर शामिल था पर्यटन सुविधा केंद्र, वेदी केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, शहर संग्रहालय, व्यूंगम गैलरी, फूड कोर्ट आदि का उद्घाटन किया गया यहाँ पर। यदि हम बात करें काशी विश्वनाथ की तो 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर की रानी थी, उन्होंने काशी विश्वनाथ और उसके आसपास के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। वर्तमान का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है 2019 में इसकी नींव रखी गई थी। इस परियोजना की परिकल्पना तीर्थयात्रियों को के लिए आसानी से सुलभ मार्ग स्थापित करना हेतु इसकी स्थापना की गई थी, जिसे गंगा में डुबकी लगाने और मंदिर में पवित्र नदी का पानी जो होता है उसको चढ़ाने के लिए भीड़ भाड़ से गुजारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि भीड़ भाड़ रहित कैसे इसको बनाया जा सके।
परियोजना का काम के लिए 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों को फिर से खोजा गया, उनकी मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसको बहाल किया गया। इसके महत्व की बात करें तो यह प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी के घाटों को जोड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि शिव के पवित्र मंदिरों में से एक है। यह तीर्थयात्रियों और यात्रियों की चौड़ी साफ सुथरी सड़कें तथा गलियां चमकदार स्ट्रीट लाइट से बेहतर रोशनी, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के बढ़ावा देने के लिए, और ख़ासकर इसका उद्देश्य रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने चार टॉपिक डिस्कस किए हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। तो प्रश्न है, अर्थ ब्लैक बॉक्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है? IXPE मिशन का पूरा नाम क्या है? LCRD संचार प्रणाली का पूरा नाम क्या है? रानी अहिल्याबाई होलकर ने किस वर्ष काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो वर्तमान में बनाई गई है, इसकी नींव किस वर्ष रखी गई थी? आप इन सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स यदि आप लोगों को लाभदायक साबित हो रहे हैं तो आप इन्हें देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।